Hello, good morning everyone. Myself is Vibha Gautam from Optometry Department for 6th semester. We all are here to celebrate the Glaucoma Week. The second week of March we celebrate as the Glaucoma Awareness Week. Today we all, the students of Optometry, are presenting a skit on the topic Glaucoma. अभी इस स्किट के थ्रू आप सभी जानेंगे कि ग्लूकोमा होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हो सकता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ डेंजरस इट कैन बी अगर इसे पहले से ही ट्रीट और डिटेक्ट नहीं किया गया. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ स्किट. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस. थैंक यू. आयशी कैसे हो? अरे मैं ठीक हूं, तुम बताओ? बस बढ़िया. और कहां रहते हो आजकल? दिखाई नहीं देते. अरे घूमना ना, एग्जाम आ रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन में बिजी रहते हैं. पढ़ाई साथे करो, इसलिए चश्मा लग गया. नहीं यार, वो एक्चुअली बहुत दिनों से सर दर्द हो रहा है मेरे, उसके कारण आंखों में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है. कम भी हुआ पेन? नहीं यार, कुछ कम नहीं हुआ. चलो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें ड्रॉप दिलवा देता हूं, शायद उससे आराम मिले. लेकिन यार मेरे पास तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है. उसकी जरूरत नहीं, मेरे दोस्त के केमिस्ट है, ऐसे हो जाएगा. आप सबने देखा, एक दोस्त को चश्मा लगा है और दूसरा दोस्त उसे आई ड्रॉप रिकमेंड कर रहा है विदाउट एनी टेस्टिंग. एंड नाउ दे आर गोइंग टू द केमिस्ट शॉप फॉर देयर फर्दर चेकअप. नाउ लेट मी मूव इन नेक्स्ट सीन. हाय मैम, कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई. मैम तो ना मेरे दोस्त ने, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार. में क्या प्रॉब्लम? मुझे तो बहुत दिनों से सर दर्द हो रहा है, उसके कारण आंखों में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है. कोई नहीं, आप मैं एक दवाई दूंगा आपको, वो डाल लेना, उसकी कोई जरूरत नहीं है. ये तो दवाई दो रूम सुबह दो रूम शाम को, पांच दिन बाद आके दूसरी दवाई लेना. The point to be noted here, the chemist is providing eye drop without any prescription, जो कि हम सबको ही पता है कि बहुत गलत चीज है. वैसे ही बिना किसी बीमारी का जाने कोई भी दवाई लेना is not good for our health. वैसे ही कोई भी eye drop आंखों पर डालना is also not good for our eyes. Let's see अब आगे क्या होता है. आयश्री, अरे तुम तो कब आए? जस्ट साइड साइड से देखा. नहीं नहीं यार, मुझे तो नहीं दिखाई दिया. अच्छा चलो बताओ, जो ड्रॉप दिलवाई थी उससे कुछ फायदा हुआ? नहीं यार, उससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है पता है. और अब तो यार हुआ है कि मैं स्कूटी चलाती हूं, उस कारण मुझे साइड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. साइड पर नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं यार, ये प्रॉब्लम तो मेरे दादाजी की हुई थी. अच्छा हां, इसको ग्लूकोमा नाम की बीमारी कहते हैं. ग्लूकोमा काला हो गया, काला इतनी काला हो गया. ये क्या होता है? अरे ये सब छोड़ो, मैं आपको बाद में बताऊंगा. कल ऑटोमेटिक से बात करके चलते हैं. जैसा कि आप सबने देखा, पेशेंट का साइड विजन लॉस हो चुका है एंड नाउ शी इज नॉट एबल टू सी और डिटेक्ट एनी मूवमेंट हैपनिंग इन द पेरिफेरी. एंड नाउ दे आर गोइंग टू द ऑप्टोमेट्रिस्ट फॉर देयर फर्दर चेकअप. नाउ लेट्स सी फर्दर इन नेक्स्ट सीन. ऑप्टोमेट्रिस्ट उन्हें क्या बताता है? समझ गया, प्रॉब्लम में क्या? हाय राजेश भाई, क्या हाल है? हाय हरी, कैसे हो? बढ़िया. कैसे आना हुआ यहाँ पे? यार मेरे एक फ्रेंड है ना, उसको ना वो ग्लूकोमा नाम की बीमारी हुई, दादाजी को हुई थी ना, तो साइड का दिखना प्रॉब्लम हो गया. एक बार आप चेक कर लेना उसको जरा. ठीक है, निकाल देते हैं. अभी लेकर चलो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शमशी पॉल है. क्या प्रॉब्लम है आपके आँखों में? मुझे बहुत दिनों से सर दर्द हो रहा था, उसके कारण आँखों में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. और अब तो ये सब हुआ कि साइड का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक, कब से हो रहा है? 8-20 हमारे क्लास में से आ गई. ये तो मैं एक सिंपल एक ऑप्शन सी भी लिया था. आपका ऑटोमेटिक से? नो सर. आपका किस किस है दवाई जो लिया था? नो सर. ठीक है, दवाई में कोई टेस्ट करता हूँ सर. कोई प्रोग्राम वाली बात नहीं है? नहीं नहीं, ये आधा एक घंटा का प्रोसीजर है, इसमें अब का जो लेके गिर लेंगे, हाई प्रेशर चेक कर लेंगे और ये सब टेस्ट करेंगे. अब ऑप्टोमेट्रिस्ट पेशेंट को सारे टेस्ट एक्सप्लेन कर चुका है. नाउ प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट एडवाइस ही विल गिव टू द पेशेंट. हाय, अच्छा आवाज आया यार. मैं तो सही बात आता सारी एंडियोसी भी होती. आपको हर 6 महीने काम हो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ग्लूकोमा डिटेक्ट हुआ है. अच्छा, इसमें आपका जो साइड विजन लॉस हो गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बचा हुआ है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सही, तुमने एंड मोमेंट में बात यार. ये एडवाइस सिर्फ शामोश्री के लिए नहीं है, ये एडवाइस आप सभी के लिए है कि दैट इन एवरी 6 months यू हैव टू विजिट एनी आई क्लिनिक फॉर योर रेगुलर आई चेकअप. आइए अब हम सब जानते हैं ग्लूकोमा एग्जैक्टली है क्या.
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम जानते हैं ग्लूकोमा क्या होता है। ग्लूकोमा, जिसे हम काला मोतिया के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमारा आई का जो इंट्राओकुलर प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज होने लगता है और साइड विजन स्लोली लॉस होने लगता है। अगर हम इसको शुरू में ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आगे चल के अंधापन को भी काउज करता है, इसलिए हमें हर 6 महीने में आई चेकअप कराने चाहिए। थैंक यू। अभी आपने देखा कि ग्लूकोमा क्या होती है, अब हम जानेंगे कि ग्लूकोमा कितनी वजहों से हो सकती है, मतलब ग्लूकोमा का क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्या क्या इसके कॉजेज है। तो हम सबसे पहले ग्लूकोमा का फर्स्ट कॉजेज की बात करते हैं तो जेनेटिक। जेनेटिक मतलब अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी ग्लूकोमा है तो मतलब आपको भी ग्लूकोमा के चांसेस है। ये आपको कब पता चलेगा, जब हर 6 मंथ पे अपना आई चेकअप करवाओगे तब। अब हम नेक्स्ट कॉजेज की बात करते हैं, ओकुलर हाइपरटेंशन। जैसे हमारी ब्लड की प्रेशर होती है उसी तरह हमारा आई का भी प्रेशर होता है। जैसे जैसे अगर हम ओल्ड एज में गए तो हमारा आई का प्रेशर घटता बढ़ता है, उसी तरह हमारी आई की प्रेशर जब एबनॉर्मल हो जाएगी तो उसमें भी ग्लूकोमा के चांसेस है। अब नेक्स्ट कॉजेज की बात करते हैं, वो है माइग्रेन। जैसे माइग्रेन सबको तो पता होगा ये एक बीमारी है, अगर किसी को भी माइग्रेन है तो मतलब उसको भी ग्लूकोमा हो सकता है, तो आपको हर 6 मंथ पे अपना आई चेकअप करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट कॉजेज की बात करते हैं, ओकुलर ट्रोमा। अगर आपके हेड में किसी भी तरह का चोट लग गया हो या आपके आईज में किसी तरह का चोट लग गया हो तो उससे भी आपको ग्लूकोमा के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको हर 6 मंथ पे अपना आई चेकअप करवानी बहुत ही जरूरी है। अब हम नेक्स्ट कॉजेज की बात करते हैं, स्ट्रॉइड। अगर आप लंबे टाइम से स्ट्रॉइड ले रहे हो तो उससे भी आपको ग्लूकोमा के चांसेस है, इसलिए आपको हर 6 मंथ पे अपना आई चेकअप करवाना चाहिए। थैंक यू। अब हम जानते हैं कि ग्लूकोमा की साइन क्या है और सिम्टम्स क्या है। तो पहले ये बात याद रखो कि ग्लूकोमा की कोई सिम्टम्स ना होती, ग्लूकोमा इज ए सिम्टम लेंथ डिजीज। उसमें अपने को पता नहीं चलेगा कि ग्लूकोमा हो गया अपने को, तो हम हर 6 महीने का चेकअप कराएंगे जब अपने को मतलब पता कर सके कि ग्लूकोमा हो रखी है। अब जानते हैं कुछ साइंस। जैसे आपने स्क्रीन में देखा कि पेशेंट को साइड से दिखाई नहीं दे रही थी, वो ग्लूकोमा में होती है कि अपना ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसका साइड विजन फील्ड विजन लॉस होते जा रही है, जिसकी कि सेंटर विजन बच जाती है। पेशेंट को आप देखें कि सेंटर ही दिखाई नहीं देती, पास में कोई है उसको दिखाई नहीं देती। सेम टू सेम ग्लूकोमा में भी ऐसी ही होती है। तो हमको 6 महीना में जब चेकअप करवाएंगे तभी पता चलेगा कि ग्लूकोमा हुई है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम जानेंगे ग्लूकोमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ग्लूकोमा का सबसे पहला प्रिवेंशन होता है कि रेगुलर आई एग्जामिनेशन। आपको हर 6 महीने में आई एग्जामिनेशन कराना है। अगर जो आप एग्जामिनेशन कराओगे तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी डिजीज आपको लगी है, ग्लूकोमा है या नहीं है। दूसरा है कि फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री अगर जो आपकी किसी फैमिली मेम्बर्स को कोई ग्लूकोमा था, ग्लूकोमा नाम की बीमारी थी, तो हो सकता है वो आपको भी हो। तीसरा है सेफली एक्सरसाइज। अगर जो आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई किसी तरह गेम खेलते हैं लाइक फुटबॉल बैटबॉल, तो इसमें ग्लूकोमा के चांस हो सकते हैं कि आपको प्यार में चोट लग सकती है, जिस चोट के कारण आपकी ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज हो सकती है, जो आपकी ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप किसी भी उसमें कोई आपको ग्लूकोमा ना हो पाए। फिर होता है आई प्रोटेक्शन, वीआर आई प्रोटेक्शन। आपको जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको आई प्रोटेक्शन पहननी चाहिए, मतलब सनग्लासेस टाइप पहनने चाहिए, जिससे कि आपको कोई बाहर की डैमेज आँख में ना गिरे। देन प्रेस्क्राइब आई ड्रॉप्स। जब डॉक्टर जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है आई ड्रॉप, आपको सिर्फ वही डालनी है। जो टाइम टू टाइम जो आई ड्रॉप प्रेस्क्राइब कर रहा है आपको उसी टाइम पर आई ड्रॉप डालनी है, वरना अलग से कुछ नहीं डालना है। तो लास्ट में डायबिटीज़। जैसे कि आपको पता है कि डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी आजकल होती जा रही है, तो डायबिटीज़ इसका एक मेन कारण है कि ग्लूकोमा के चांसेज है, क्योंकि इसका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसको भी ग्लूकोमा के चांस है। तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है, जिससे कि ग्लूकोमा से बचाया जा सके। थैंक यू। एट लास्ट, मिरेकल कैन नॉट क्योर द ब्लाइंडनेस बट टुगेदर वी कैन। आइए अब जानते हैं द थीम ऑफ द ग्लूकोमा। द वर्ल्ड इज ब्लाइंड।